बच्चों हम लोग फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड का दो फंक्शन होता है, सेल रिप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। सेल रिप्लिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो द प्रॉपर्टी ऑफ एनी न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ, दैट इज द प्रॉपर्टी टू डुप्लीकेट इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल रिप्लिकेशन। और दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि न्यूक्लिक एसिड शरीर के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल अदा करता है। उन चीजों के बारे में बच्चों आज हम लोग जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि बच्चों आप लोग जान रहे हो, हम लोग पिछले लेक्चर में सेल रिप्लिकेशन के बारे में जान चुके हैं। अगर आप लोगों को उस वीडियो को देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों को पढ़ना है प्रोटीन सिंथेसिस, कि शरीर के अंदर न्यूक्लिक एसिड किस तरह से प्रोटीन को फॉर्म करता है। तो यहां पर अगर हम लोग इस प्रक्रिया या इस फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन यानी कि प्रोटीन का बनना दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा स्टेप जो बच्चों होता है उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ट्रांसलेशन। तो आओ स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है और किस किस तरह से ट्रांसलेशन होता है टू कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय एनी न्यूक्लिक एसिड। बच्चों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और उन लोगों को मोटिवेट भी करो, इन्फ्लुएंस करो कि मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दे। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस पर। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ही आसान हिस्सा होता है न्यूक्लिक एसिड का। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखते हो तो इन चीजों को बहुत ही आसानी से आप लोग समझ सकते हो। ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है ये न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन है। न्यूक्लिक एसिड दो तरह का, डीएनए और आरएनए। यहां पर जो प्रोटीन बनता है यहां डीएनए का भी रोल होता है और आरएनए का भी रोल होता है। यहां जो दो स्टेप है प्रोटीन सिंथेसिस का, उन दोनों स्टेप को मैं पिक्चोरियली यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग भी इन चीजों को ध्यान से समझना। सबसे पहला स्टेप दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, उसमें क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, जिसे ध्यान से देखो ये पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें दो स्ट्रैंड होगा बच्चों, क्या होगा, एक स्ट्रैंड 5-2-3 साइड होगा और दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो 3-2-5 साइड होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 5 है तो यहां से आया, ऐसे है ये 5 वाला ही है, ये 3 ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। हम लोग जानते हैं स्पेसीज टू स्पेसीज, इवन पर्सन टू पर्सन, अलग अलग केस में डीएनए मॉलिक्यूल में बेस का सिक्वेंस जो होता है कुछ फिक्स होता है। क्या बेस सिक्वेंस होता है, हम लोग मान लेते हैं ये 5-3 वाले स्ट्रैंड में बेस का सिक्वेंस क्या है। यहां पर मान लेते हैं कि एडेनिन है, यहां थाइमिन है, यहां साइटोसाइन है, यहां ग्वानिन है, यहां साइटोसाइन है, यहां ग्वानिन। हम लोग इमेजिन कर लेते हैं साइटोसाइन है, सॉरी ये स्टैंड, अगर एक स्टैंड को आप लोग लेकर चल रहे हो तो किसी पर्टिकुलर स्टैंड को ही पकड़ कर रखना है। ग्वानिन, एडेनिन, यहां एडेनिन, यहां ग्वानिन, यहां साइटोसाइन, यहां थाइमिन, ओके, यहां पर क्या है, थाइमिन है, यहाँ साइटोसाइन है, यहाँ पर ग्वानिन है और ये स्टैंड आया। यहाँ 5 है तो इस साइड कौन सा होगा, 3 होगा, ये 3 है तो इस साइड यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये 5 होगा। अब इसको यहाँ पर जो दूसरा है एंटी पैरेलल स्टैंड 3-5 वाला जो स्टैंड है, यहाँ से ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, तो 3-5 वाला जो स्टैंड है उस पर का बेस सिक्वेंस इसी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। एडेनिन के सामने क्या होगा बच्चों, थाइमिन, थाइमिन के सामने क्या होगा बच्चों, एडेनिन, साइटोसाइन के सामने क्या होगा बच्चों, ग्वानिन, यहाँ ग्वानिन के सामने क्या होगा बच्चों, साइटोसाइन, साइटोसाइन के सामने क्या होगा बच्चों, ग्वानिन, ग्वानिन के सामने क्या होगा साइटोसाइन, साइटोसाइन के सामने ग्वानिन, यहाँ ग्वानिन के सामने साइटोसाइन, यहाँ एडेनिन के सामने थाइमिन, यहाँ एडेनिन के सामने क्या होगा थाइमिन, ग्वानिन के सामने क्या होगा साइटोसाइन। बोर होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर समय मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोग इन चीजों को इजिली सीखो और समझो। ये ग्वानिन के सामने क्या होगा साइटोसाइन। इस तरह से मान लेते हैं बेस सिक्वेंस है एक किसी पर्टिकुलर स्टैंड में डीएनए मॉलिक्यूल का। अब होता क्या है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, सेल के न्यूक्लियस के अंदर
ये जो पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, इस डीएनए मॉलिक्यूल के एक डिफिनिट स्टैंड, जैसे मान लेते हैं ये पर्टिकुलर स्टैंड है, ये वाला स्टैंड हम लोग मान लेते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर स्टैंड आप लोग ले रहे हो तो उसी को ध्यान में रखना है, दोनों स्टैंड को लेकर काम नहीं करा जाता, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये वाला जो स्टैंड है, मान लेते हैं यहां पर टिक मैंने कर दिया है, इस स्टैंड के अनुसार इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो बनता है मैसेंजर आरएनए में बनता है। दिस इज व्हाट, दिस इज मैसेंजर आरएनए। लेकिन आप लोग जानते हो कि डीएनए में क्या क्या कुछ होता है? डीएनए में होता है बच्चों थायमीन, एडेनिन, साइटोसाइन और ग्वानिन। ये चार ही नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस मौजूद रहता है। लेकिन मैसेंजर आरएनए की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर थायमिन नहीं होता है। थायमिन के बजाय वहां पर क्या चीज रहता है बच्चों? वहां थायमिन के बजाय यूरासिल होता है। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि डीएनए के दो स्ट्रैंड में जो बेस के बीच स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, कैसे कैसे बनता है? थायमिन और एडेनिन के बीच बनता है, साइटोसाइन और ग्वानिन के बीच बनता है। लेकिन यहां पर डीएनए के बेस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए में बेस सीक्वेंस फॉर्म होता है। तो वो कैसे होता है? तो डीएनए में अगर थायमिन होगा स्टूडेंट, तो यहां मैसेंजर आरएनए में क्या होना होगा? वहां पर एडेनिन होगा। क्लियर है? ये एडेनिन अगर होगा डीएनए में, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग बेस जो मैसेंजर आरएनए में होगा वो यूरासिल होगा। याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। एडेनिन के सामने क्या होगा? यूरासिल। साइटोसाइन के सामने क्या होगा? ग्वानिन। और ग्वानिन के सामने क्या होगा? साइटोसाइन होगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, ये वाला स्टैंड अगर हम लोग ले रहे हैं तो यही वाला स्टैंड पर फोकस करना है। तो इस स्टैंड में थायमिन के सामने, ये थायमिन है, तो थायमिन के सामने मैसेंजर आरएनए में क्या होगा? एडेनिन होगा। एडेनिन के सामने क्या होगा बच्चों? थायमिन नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा? यूरासिल। ग्वानिन के सामने साइटोसाइन, फिर नीचे आ गए तो ये साइटोसाइन नजर आ रहा है, तो सामने क्या होगा? ग्वानिन। ग्वानिन के सामने साइटोसाइन, साइटोसाइन के सामने ग्वानिन, और आगे बढ़ते चले जाओ, ये जो है यही बेस सीक्वेंस यहाँ आया तो ग्वानिन आया, तो ग्वानिन के सामने क्या है? साइटोसाइन। साइटोसाइन के सामने ग्वानिन, थायमिन के सामने एडेनिन, इसके बाद नीचे आ गए तो थायमिन के सामने एडेनिन, साइटोसाइन के सामने ग्वानिन, ग्वानिन के सामने साइटोसाइन, फिर ये एडेनिन के सामने थायमिन नहीं यूरासिल, फिर ग्वानिन के सामने क्या होगा? साइटोसाइन, और साइटोसाइन के सामने ग्वानिन। ओके, तो ये मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में पहले क्या होता है? डीएनए के किसी पर्टिकुलर स्ट्रैंड पर के मौजूद बेस सीक्वेंस के आधार पर मैसेंजर आरएनए बनता है। तो चूंकि मैसेंजर आरएनए का बेस सीक्वेंस जो है वो डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल के बेस सीक्वेंस पर, तो ये जो बेस सीक्वेंस है इसे हम लोग टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करते हैं टू फॉर्म एनी मैसेंजर आरएनए। अब जैसे ये मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो ये सेम मैसेंजर आरएनए क्या बना? ए यू सी जी सी जी सी जी ए जी सी यू सी जी। तो ये जो मैसेंजर आरएनए बना वो मूव कर जाता है कहां पर? राइबोसोम में। न्यूक्लियस ऑफ सेल में मौजूद रहता है ये मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए मूव कर जाता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अभी कहां है? न्यूक्लियस ऑफ सेल में। और यहां से ये मूव कर जाता है कहां? ये मूव कर गया, बताओ कहां मूव कर गया? अब ये मूव कर गया राइबोसोम में, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये राइबोसोम में मूव कर गया। तो यहां से यहां तक की जो ये प्रक्रिया है बच्चों, इसी प्रक्रिया को यहां से लेकर यहां तक, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पर एक चीज आप गौर कर रहे होंगे, एक अलग सी बात, और वो अलग सी बात ये है कि यहां जो मैंने बेस सीक्वेंस लिख रखा है, ऐसे तो डीएनए मॉलिक्यूल में जो ये तीन 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 बेस मैंने यहां पर लिखा है ना, ये कोई जरूरी नहीं है, यहां पर चार भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है, दस भी हो सकता है। और वहां पर मैंने बताया था कि एक कंप्लीट सर्किल में यहां से यहां पर बताओ तो इस हेलिक्स का एक कंप्लीट सर्किल होगा ना, तो इस कंप्लीट सर्किल में एट एंड अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड रहता है, लगभग
लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड होता है, तो नियम था तो यहाँ पर 10 लिखना चाहिए, लेकिन देखने में बेहतर लगे, एक बेहतर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए मैंने इस तरह से लिखा कि तीन 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 करके दिखाया। लेकिन यहाँ पर मैंने देखने में बेहतर लगे इस वजह से इन तीन तीन को एक साथ नहीं रखा है। यहाँ पर ये नियम है कि मैसेंजर आरएनए में जो बेस सिक्वेंस है उसको हम लोग पढ़ते हैं 3 at a time, तीन को एक एक साथ हम लोग पढ़ते हैं। तो ये तीन तीन नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस का जो कॉम्बिनेशन हुआ ना, ये एक ट्रिपलेट की तरह काम करता है, और इस बेस ट्रिपलेट को हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज, कोडोन। ओके, तो आप लोग याद रखोगे व्हाट इज कोडोन, आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग क्या जवाब दोगे कि मैसेंजर आरएनए में जो बेस का डेफिनेट सिक्वेंस होता है उस सिक्वेंस में तीन बेस न्यूक्लियोटाइड को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, और उस तीन बेस न्यूक्लियोटाइड का जो ग्रुप होगा उस ग्रुप को हम लोग कोडोन के रूप में जानते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग जानते हैं कि यहां पर ट्रांसक्रिप्शन में करें क्या क्या, कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस का जो सीक्वेंस था एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल पर, उसी के आधार पर मैसेंजर आरएनए में बेस सीक्वेंस बना, और उस बेस सीक्वेंस का क्या रिलेशनशिप होता है डीएनए के बेस और मैसेंजर आरएनए के बेस का, तो वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और उस वहां पर जैसे मैसेंजर आरएनए फॉर्म हो गया, वो मैसेंजर आरएनए मूव कर जाता है राइबोसोम में जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, और कहां से आता है तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल से आता है। यहां पर मैसेंजर आरएनए में तीन तीन बेस को हम लोग एक साथ काउंट करते हैं, और ये एक तरह से कोड की तरह काम करता है, और इसी कोड को हम लोग सिंपली क्या नाम दे देते हैं बच्चों, कोडोन। अब हम लोग आते हैं दूसरे स्टेप में कि ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के आधार पर मैसेंजर आरएनए बनके कहां चला गया, राइबोसोम में, और राइबोसोम जिसको स्लाइड साइटोप्लाज्म में है जहां पर कि प्रोटीन का बनना है, तो वहां पर फाइनली प्रोटीन बनता है किस स्टेप के थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है बच्चों, वो अब हम लोग समझते हैं। तो ट्रांसलेशन में होता क्या है, देखो यही वाला फिगर, सेम फिगर मैंने यहां पर बना रखा है, ये राइबोसोम है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये राइबोसोम में ये मैसेंजर आरएनए, सेम मैसेंजर आरएनए है, तो बस लिख लो यहीं से देखकर एयूसी, यहां पर क्या है एयूसी, और उसके बाद जीसीजी, जीसीजी, और उसके बाद सीजीए, ये है सीजीए, उसके बाद क्या है एजीसी, एजीसी, और उसके बाद यूसीजी, उसके बाद क्या है यूसीजी। तो इतना तो समझ गए कि राइबोसोम में ये जो आया हुआ है बच्चों, ये क्या चीज है, दिस इज मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए के आधार पर, मैसेंजर आरएनए के आधार पर यहां पर एक और तरह का आरएनए आता है जिसको कि हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं टीआरएनए, दिस इज व्हाट, ट्रांसफर आरएनए, दिस इज व्हाट, ये जो इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। आप लोग अपने दिमाग में इस बात को ना बिठा लेना कि डीएनए तो ऐसा सचमुच होता है, आरएनए ऐसा ट्रेन के डब्बे की तरह होता है, ये ट्रांसफर आरएनए इस तरह से सिबलिंग तरह बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बेहतर स्टूडेंट के दिमाग में फिट करने के लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वहां पर दर्शाया जाता है कि मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोम के अंदर चला गया। अब ये मैसेंजर आरएनए के अनुसार ये ट्रांसफर आरएनए फॉर्म होता है। ट्रांसफर आरएनए में क्या खासियत रहता है, ट्रांसफर आरएनए के एक साइड, ये वाला साइड जो है, वहां पर न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट का एक कॉम्बिनेशन फिक्स रहता है, दैट इज सीसीए, मतलब साइटोसाइन साइटोसाइन एडेनिन, साइटोसाइन साइटोसाइन एडेनिन। इसका क्या रोल है वो आगे हम बता रहे हैं कि एक साइड तो फिक्स है साइटोसाइन साइटोसाइन और एडेनिन का बेस ट्रिपलेट, लेकिन दूसरे साइड का जो ये बेस ट्रिपलेट है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग। जैसे यहां पर हम लोग लिखें, ये है टीआरएनए और इसी के बाजू में यहां पर लिख देते हैं एमआरएनए, या उल्टा लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं टीआरएनए और इधर में लिख देते हैं एमआरएनए, यानी कि एमआरएनए में बेस क्या क्या हो सकता है, हो सकता है यहाँ यूरासिल हो, एडेनिन हो,
यहाँ पर साइटोसाइन हो और ग्वानिन हो। यदि मैसेंजर आरएनए में यूरासिल है तो यूरासिल के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफर आरएनए में सामने क्या चीज रहेगा, एडेनिन रहेगा। एडेनिन अगर मैसेंजर आरएनए में है तो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफर आरएनए में क्या चीज रहेगा, यूरासिल होगा। साइटोसाइन के सामने ग्वानिन और ग्वानिन के सामने साइटोसाइन रहेगा। बस यही कॉम्बिनेशन हम लोग याद रखते हैं। और यहां पर जैसे मैसेंजर आरएनए है तो उसके सामने वही ट्रांसफर आरएनए रहेगा जिसके एक साइड पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस रहेगा। यानी कि एडेनिन के सामने क्या होगा बच्चों, यूरासिल के सामने क्या होगा, एडेनिन। साइटोसाइन के सामने क्या होगा, ग्वानिन। ग्वानिन के सामने क्या होगा, साइटोसाइन। साइटोसाइन के सामने क्या होगा, ग्वानिन। ग्वानिन के सामने क्या होगा, साइटोसाइन। साइटोसाइन के सामने क्या होगा, ग्वानिन। ग्वानिन के सामने साइटोसाइन। एडेनिन के सामने क्या होगा, यूरासिल। एडेनिन के सामने क्या है, यूरासिल। ग्वानिन के सामने क्या होगा, साइटोसाइन। साइटोसाइन के सामने क्या, ग्वानिन। यूरासिल के सामने क्या होगा, एडेनिन। साइटोसाइन के सामने क्या होगा, ग्वानिन। ग्वानिन के सामने क्या होगा, साइटोसाइन। और इस तरह से ट्रांसफर आरएनए के एक साइड का बेस सीक्वेंस फिक्स होता है। अब बात करते हैं अल्फा एमिनो एसिड की। तो आप लोग जानो कि अल्फा एमिनो एसिड होते कितने हैं, प्रोटीन को बनने के लिए 20 डिफरेंट काइंड ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स आर पॉसिबल। और ये न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट जिसको कि हम लोग कोडोन वर्ड से सिंबलाइज करते हैं, ये 3 न्यूक्लियोटाइड बेस को अगर हम लोग एक साइड ले लें तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, कोडोन। तो बताओ तो कितना तरह का कोडोन हो सकता है, ये तो मैथ के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया। आप लोगों के पास 3 प्लेस है, ये 3 जगह है ना, कोडोन मतलब 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड। तो पहले जगह पर हम लोग कितना तरह का बेस फिट कर सकते हैं, 4 तरह का, मैसेंजर आरएनए हो या ट्रांसफर आरएनए हो, 1, 2, 3, 4 तरह का बेस हो सकता है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर एडेनिन हो सकता है, यूरासिल हो सकता है, साइटोसाइन हो सकता है या ग्वानिन हो सकता है। और यहाँ पर रिपीटेशन अलॉट है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन बनता है नॉट रिपीटेशन अलॉट और यहाँ रिपीटेशन अलॉट। तो यहाँ पर दूसरे प्लेस पर भी उसी तरह का 4 बेस हो सकता है इनमें से कोई, तीसरे प्लेस पर भी 4 बेस हो सकता है। तो 4 × 4 × 4 इक्वल्स टू कितना हुआ, 64। यानी कि इस तरह के कोडोन की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो कुल कितने तरह का कोडोन हो सकता है बच्चों, 64। यानी कि अगर हम लोग कोडोन की बात करें तो कोडोन होते हैं कितने तरह के, 64। जैसे कि सी 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 हो, सी सी ए, ए जी सी, यू ए सी, इस तरह से कितने तरह के कोडोन होंगे। यानी कि इस तरह का बेस ट्रिपलेट जिसको कि हम लोग कोडोन नाम देते हैं, ये इस तरह का 64 तरह का होगा, 64 तरह का। लेकिन हर एक कोडोन जो होता है ना एक डिफिनेट अल्फा एमिनो एसिड से रिलेटेड होता है, और इसे ही, इस रिलेशनशिप को दरअसल हम लोग नाम दे देते हैं जेनेटिक कोड। इस वर्ड को अभी के अभी सीख लो आप लोग, जेनेटिक कोड क्या होता है। तो आप लोग जवाब दोगे कि इच न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट और अल्फा एमिनो एसिड का जो आपस का संबंध होता है उसी संबंध को हम लोग क्या नाम देते हैं, जेनेटिक कोड। या संबंध क्या है वो हम लोग दिखाते हैं बाद में, लेकिन अभी जानो कि एक डिफिनिट कोडोन जो होता है एक डिफिनिट अल्फा एमिनो एसिड के साथ ही हो सकता है। यानी कि अगर हम लोग मान लें, ये परफेक्ट नहीं है, ये अगर हम लोग मान लें साइटोसाइन 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 नाम के कोडोन का अल्फा एमिनो एसिड जो किसके साथ कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज लाइसिन। CCA अगर रहे तो इसका कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज ग्लाइसिन। यदि CGC रहे तो उसका होता है एस्पार्टिक एसिड। UAC है तो इसका कुछ और होता है दैट इज एलानिन। इसी तरह CAU है तो इसका कॉम्बिनेशन जो होता है कुछ और होता है दैट इज वेलाइन। इसी तरह CAC ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कितना तरह का हो सकता है, 64। लेकिन यहां पर अल्फा एमिनो एसिड तो 20 ही है, तो 64 होगा, कोई फिक्स अल्फा एमिनो एसिड होगा ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। यहां पर अल्फा एमिनो एसिड में रिपीटेशन हो जाता है, जैसे कि यहां इस तरह से 64 को है ना कोडोन, तो 64 कोडोन तो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा, लेकिन अल्फा एमिनो एसिड एक से अधिक भी हो सकता है। तो बच्चों अगर हम लोग यहां पर कोडोन और अल्फा एमिनो एसिड को इंटररिलेट करने की कोशिश करें तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 64 अलग अलग तरह के कोडोन हम लोगों को मिलेंगे, लेकिन अल्फा एमिनो एसिड तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 तरह के ही तो होंगे। और लेकिन हर एक कोडोन को एक पर्टिकुलर अल्फा एमिनो एसिड से इंटररिलेट करना है। तो वहां पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी के अभी, वहां पर क्या बताया कि हर एक कोडोन का एक पर्टिकुलर अल्फा एमिनो एसिड होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर अल्फा एमिनो एसिड का एक से अधिक कोडोन हो सकता है। जैसे कि वहां पर हम लोगों ने देखा था कि एस्पार्टिक एसिड यहां भी था, एस्पार्टिक एसिड यहां भी था, एस्पार्टिक एसिड यहां भी हो सकता है। यानी कि एस्पार्टिक एसिड का ये भी कोडोन हो सकता है, ये भी, ये भी, और एस्पार्टिक एसिड का यानी कि एक से अधिक कोडोन हो
सकता है, इस तरह से बाकी और भी अल्फा अमीनो एसिड का एक से अधिक कोडोन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक अल्फा अमीनो एसिड का एक ही तरह का कोडोन है, एक अल्फा अमीनो एसिड का दो ही तरह का कोडोन है, एक अल्फा अमीनो एसिड का पांच तरह का भी कोडोन है, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि हर एक कोडोन का एक पर्टिकुलर अल्फा अमीनो एसिड होगा, लेकिन हर एक अल्फा अमीनो एसिड का एक से अधिक तरह का कोडोन हो सकता है। और ये जो कोडोन और अल्फा अमीनो एसिड के बीच इंटर रिलेशनशिप होता है, इस इंटर रिलेशनशिप को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, जेनेटिक कोड। ओके, और उसी जेनेटिक कोड के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। यहां पर जो अभी हम लोग जेनेटिक कोड यानी कि इंटर रिलेशनशिप इन बिटवीन कोडोन एंड अल्फा अमीनो एसिड लेंगे, वो बस अपने आप से ले रहे हैं, वो सही नहीं है, बस आप लोगों को समझाने के लिए आर्बिट्ररी मोड में हम लोग कुछ भी ले लेते हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के बुक में या फिर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को पढ़ना अगर होता होगा तो उन लोगों को ये याद करना होता है 64 कोडोन्स के लिए कौन सा पर्टिकुलर अल्फा अमीनो एसिड होता है और 200 अल्फा अमीनो एसिड के लिए क्या क्या एक या एक से अधिक तरह का कोडोन होता है, और वो हम लोगों को याद रहना भी चाहिए। अब हम लोग आते हैं ट्रांसलेशन पर। ट्रांसलेशन में अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे राइबोसोम में मैसेंजर आरएनए बना, उस मैसेंजर आरएनए के बेस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग यानी कि इस बेस ट्रिपलेट के सिक्वेंस के आधार पर ट्रांसफर आरएनए बनेगा, और ट्रांसफर आरएनए में क्या होता है, एक साइड बेस ट्रिपलेट फिक्स होता है, ये कोडोन फिक्स होता है, लेकिन दूसरे साइड का कोडोन जो होता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री विद द कोडोन या बेस सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब जो ये दूसरे साइड का फिक्स होता है बेस सीक्वेंस, यहां पर इस बेस सीक्वेंस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री होता है उस हाइड्रोजन बॉन्ड से एक पर्टिकुलर अल्फा अमीनो एसिड अटैच हो जाता है। मान लेते हैं यहां पर एस्पार्टिक एसिड अटैच हुआ, और ये एस्पार्टिक एसिड ही यहां पर क्यों अटैच होता है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि कोडोन में देखा जाता है कि UAZ किससे इंटररिलेट होता होगा, एस्पार्टिक एसिड से। मान लेते हैं या उसी तरह से CGC जो है ये वाला कोडोन, मान लेते हैं सेराइन से इंटररिलेट होता होगा, इस ये वाला जो GCU है ये वेलाइन से इंटररिलेट होता होगा, ये वाला जो है UCG है ये एलानिन से इंटर रिलेट होता होगा, मान लेते हैं AGC दोबारा से एलानिन से ही इंटर रिलेटेड होता होगा। आगे भी बहुत तरह का ट्रांसफर आरएनए है, और उस ट्रांसफर आरएनए में मान लेते हैं AGU जो है ये है लाइसिन से इंटर रिलेटेड होता होगा, ये जो UUC है ये ग्लाइसिन से इंटर रिलेटेड होता होगा, ऐसा बहुत तरह का अल्फा अमीनो एसिड है। अब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए के बेस सीक्वेंस के आधार पर ट्रांसफर आरएनए एक डिफिनेट बेस सीक्वेंस में अटैच होता है, और वो ट्रांसफर आरएनए अपने साथ अल्फा अमीनो एसिड को एक डिफिनेट सीक्वेंस में अरेंज करता है, और अरेंजमेंट के बाद ये सारा अल्फा अमीनो एसिड आपस में कंडेंस होकर क्या बना लेता है, पेप्टाइड लिंकेज। आपस में ये कौन सा बॉन्ड बना लिया, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, और पेप्टाइड लिंकेज बनाकर ये अल्फा अमीनो एसिड का जो चेन है ये पॉलीमेरिक चेन या ट्रांसफर आरएनए से फ्री हो जाता है, ये चेन अपना अलग चला गया, और ये जो चेन बना अल्फा अमीनो एसिड का, दरअसल यही चेन डिफिनिट ऑर्डर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड है, और इसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यहां पर बना, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फर्दर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, जो कि दो तरह से हो सकता है, बीटा शीट स्ट्रक्चर या फिर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और बाद में जाकर वही सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि दो तरह का हो सकता है, क्या क्या, फाइब्रस स्ट्रक्चर और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, और फर्दर वो टर्शियरी स्ट्रक्चर अगर जरूरत है तो क्वार्टरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, वो प्रोटीन टू प्रोटीन डिपेंड करता है। यहां पर जब प्राइमरी स्ट्रक्चर बनकर ये अल्फा अमीनो एसिड निकल गया तो ये ट्रांसफर आरएनए फ्री होकर दोबारा से राइबोसोम में जाता है और फिर से इसी प्रक्रिया में ये लग जाता है, मतलब ये फ्री नहीं बैठता, ये बार बार यही काम दोहराते रहता है। तो यहां पर बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा कि प्रोटीन का सिंथेसिस जो हुआ वो ट्रांसफर आरएनए के अकॉर्डिंग हुआ, ट्रांसफर आरएनए का बेस सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग था, और इसी प्रक्रिया को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ट्रांसलेशन। यदि इसी चीज को ओवरऑल ऑर्डर में देखें यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को साथ साथ देखें, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ कि डीएनए के एक डिफिनिट बेस स्टैंड के डिफिनिट बेस सीक्वेंस के आधार पर, डीएनए के किसी पर्टिकुलर स्टैंड के डिफिनिट बेस सीक्वेंस के आधार पर मैसेंजर आरएनए में डिफिनिट बेस सीक्वेंस फॉर्म होता है, और वहां पर बेस सीक्वेंस में तीन को एक साथ हम लोग रीड करते हैं जिसे हम लोग कोडोन बोल देते हैं, वो न्यूक्लियस ऑफ द सेल से मूव कर जाता है राइबोसोम में प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म
और वहां से ट्रांसलेशन शुरू होता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए के बेस सीक्वेंस के आधार पर ट्रांसफर आरएनए फॉर्म होता है। ट्रांसफर आरएनए का बेस सीक्वेंस के आधार पर एक डेफिनेट सीक्वेंस में अल्फा अमीनो एसिड आपस में कंडेंस होकर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाता है। यानी कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अल्फा अमीनो एसिड का एक डेफिनेट सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अल्टीमेटली किस बात पर निर्भर करता है, बेस सीक्वेंस ऑन ए पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। और इस रिलेशनशिप को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, जीन। आप लोग जीन के बारे में, वो जीन नहीं है दिया वाला जीन, जीन के बारे में आप लोग सामान्य बोलचाल भाषा में भी सुनते होंगे कि बच्चा तुम्हारा जीन अलग है, बंदर का जीन अलग है, चींटी का जीन अलग है, हर स्पीसीज का जीन अलग अलग होता है। जैसे कि आप लोग समझो कि एक के पिंजड़े में आपको डाल दूं, मान लो ऐसा करना नहीं है, एक पिंजड़े में आपको डाल लूं और दूसरे पिंजड़े में एक बंदर को डाल देता हूं, ठीक है, और हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं दोनों पर। एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, दोनों को सेम भोजन देते हैं, यहां पर भी हम लोग चावल दाल दूध दही इस तरह का भोजन इसे दिए और वैसा ही भोजन इस बंदर को भी दिए। हाँ, तरीका दोनों का खाने का सेम होगा, आपका खाने का तरीका और बंदर के खाने का तरीका दोनों सेम हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या करना है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करना है कि जब दोनों को सेम तरह का डाइट दिया जा रहा है तो वो डाइट यानी कि प्रोटीन जो है बाद में हाइड्रोलाइज होकर दोनों में क्या बन रहा होगा, अल्फा अमीनो एसिड, और वो अल्फा अमीनो एसिड क्या दोनों में सेम तरह का बेनिफिट या फिर सेम तरह का ग्रोथ दिखाता है क्या? नहीं। बंदर में क्या होगा, पूंछ निकल गया, उसका मुंह कान उस प्रोटीन को खा के अलग अलग तरह से काम कर रहा है, लेकिन आपके शरीर में वही प्रोटीन अलग अलग तरह से आपका ग्रोथ कर रहा है। तो होता क्या है कि चूंकि आपके शरीर में जो सेल है उसके न्यूक्लियस में जो अल्फा अमीनो सॉरी बेस का जो सीक्वेंस होगा वो बंदर के सेल में मौजूद न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए में बेस सीक्वेंस से अलग होगा, तो वो बेस सीक्वेंस जो अलग अलग व्यक्ति या अलग अलग स्पेसीज में डीएनए में बेस सीक्वेंस जो होता है वो सीक्वेंस एक्चुअली निर्धारित करता है कि सेम अल्फा अमीनो एसिड का कैसा कॉम्बिनेशन होगा और किस तरह के कॉम्बिनेशन के बाद दोनों में अलग अलग तरह से कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से हम लोग यहां पर इंटर रिलेशनशिप इन बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ बेसेस प्रेजेंट ऑन ए पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड द सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इन ए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों, जीन। यहां पर क्वेश्चन कभी कभी आता है कि म्यूटेशन क्या होता है, MUTATION, म्यूटेशन क्या होता है। अगर हम लोग किसी तरह से नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली हम लोग सम केमिकल एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडिएशन वगैरह का इस्तेमाल कर से हम लोग करते क्या है कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के डीएनए का अगर हम लोग बेस सीक्वेंस अल्टर कर दें, ये बेस सीक्वेंस बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रोटीन बनने लगेगा उस स्पीसीज में वो भी अल्टर्ड सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड से बनेगा कि नहीं बनेगा, बस इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों, म्यूटेशन। यानी कि प्रोटीन विथ अल्टर्ड या डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड बाय कैसे, बाय अल्टरिंग या चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ बेसेस ऑन ए पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर स्पीसीज इज कॉल्ड म्यूटेशन। ऐसा जानबूझकर भी करते हैं या गलती से भी या ना चाहते हुए भी होता है। जैसे कि एबनॉर्मलिटीज होता है किसी भी इंसान में, जैसे आप लोगों में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आप लोग देख लेना कि अगर किसी तरह की एबनॉर्मलिटीज है, जैसे मुंह कान ऐसे हो गया, जब आप लोग मोबाइल से फोटो खींच रहे हो ऑटोमेटिकली मुंह कान टेढ़ा हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं, एबनॉर्मलिटीज। तो इस तरह की एबनॉर्मलिटीज अगर हो रही है तो वो क्यों होता है, वो नेचुरल म्यूटेशन हो गया, यानी कि डीएनए के बेस सीक्वेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ होगा जिस वजह से आपके शरीर में जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है वो गड़बड़ सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड के वजह से हो रहा होगा। बच्चों ये जो बातें थी ये बातें किस चीज से संबंधित थी, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो यहां पर न्यूक्लिक एसिड चैप्टर भी समाप्त होता है। जो आप लोगों को क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्लीज एक एक क्वेश्चन को करो और वहां पर जो भी नई बातें आप लोगों को जानने को मिलती है, जैसे कि कैसे हम लोग प्रोटीन की जांच करते हैं तो मिलन्स टेस्ट वगैरह, तो इन जो भी नई बात यानी कि इस लेक्चर
के अलावे भी अगर आप लोगों को कुछ नया बात देखने को मिल जाता है उन क्वेश्चंस को करने के दौरान, तो उसे प्लीज 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 अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन करो। अगर नहीं करते हो नोट डाउन तो होगा क्या कि आपका मेहनत वहां पर बर्बाद चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बाद में आप लोग भूल ही जाओगे। करते क्या हो, एग्जामिनेशन के समय आप लोग कॉपी ही तो रिवाइज करते हो। तो करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन आप लोग बना रहे हो उसी वक्त वहां पर जो डाउट हुआ या जो भी नया कुछ आप लोगों ने सॉल्यूशन देखकर सीखा उसे अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन कर दो। ये आदत अगर आप लोग हमेशा लगाते हो तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने जा रहा है। संडे को जो टेस्ट है उस टेस्ट में पूरे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से क्वेश्चंस आने जा रहे हैं। इस वजह से आप लोग सारे असाइनमेंट्स को कर लो, सारे स्टिकर्स को कर लो, और आप लोगों के पास जो भी टेक्स्ट बुक है जैसे एबीसी है तो एबीसी का भी सारा ऑब्जेक्टिव बनाकर ही टेस्ट देना। और मैं चाहूंगा कि आउट ऑफ 120 आप लोग 120 लो, एक क्वेश्चन भी नहीं मिस होना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी जान रहे हो सारे क्वेश्चन उन्हीं असाइनमेंट्स में से कहीं ना कहीं से होते हैं। 2-4% 10% क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया हुआ रहता है, वो भी इसलिए क्योंकि जज कर सके कि आप लोग रोबोट तो नहीं हो। और एक बात वो ये कि इस टॉपिक का जो नोट्स है वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का नोट्स भी आप लोग कॉपी में लिख लोगे। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग विटामिन के बारे में जानेंगे, उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।